आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का 3 दिवसीय ताजनगरी दौरा शुक्रवार को समाप्त हो गया। इन 3 दिवसीय दौरे में फिरोजाबाद का कार्यक्रम भी शामिल रहा। राज्यपाल का काफिला सर्किट हाउस से एयरपोर्ट के लिए लगभग 3:30 बजे रवाना हुआ, जिन्हें सी ऑफ करने के लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सांसद प्रोफेसर अश्विनी सिंह बघेल भी मौजूद रहे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का 3 दिवसीय दौरा शुक्रवार को समाप्त हो गया। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का काफिला करीब 12:30 बजे MG रोड होता हुआ सर्किट हाउस पहुंचा, जहां उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और कृषि विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल के साथ सांसद प्रोफेसर अश्विनी सिंह बघेल और राज्य मंत्री डॉ जी एस धर्मेश भी मौजूद रहे। एक्चुअली यहाँ पर जो महिलाओं के समूह के द्वारा क्या क्या योजना चलाई जा रही हैं उसके संबंध में महामहिम ने जानकारी ली थी। बहुत सारे ग्रुप हैं जिन्होंने यहाँ पर मास्क बनाए हैं और मास्क बना करके उनकी आर्थिक परिवार की आर्थिक स्थिति में क्या सुधार हुआ है और उनकी क्या पहचान बनी है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में क्या परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में महामहिम ने जानकारी ली है। दौरान अंदर कौन कौन मौजूद रहा और क्या कुछ खास रहा मीटिंग के अंदर, किन विशेष मुद्दों पर बात हुई? ये जो मुद्दे मैंने आपको बताए यही मुद्दे थे जय, और विशेष रूप से उन्होंने महिलाओं से बात की है और उन्होंने 4-5 चीज़ें ये बताई हैं कि भई आप ये घर परिवार की मन की सफाई रखते हैं, मन की भी सफाई रखें। दहेज के बारे में उन्होंने कहा कि भई दहेज के बारे में जब आपके पास पैसा नहीं है तो आपके बेटा है तो दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपको उतना ही धन मिले, तो उसी में संतोष रखना है। बहुत सारी इस तरह की योजना बताई। COVID-19 के दौरान काम करने वाले चिकित्सकों के समूह के साथ मुलाकात की सर्किट हाउस में। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने कुछ किसान संगठनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खेती को लेकर किसानों से चर्चा की और खेती के दौरान पैदावार को बढ़ाने के विषय पर भी चर्चा हुई। आज महामहिम का कार्यक्रम सिकंदरा इंडस्ट्रियल एरिया में स्टोन मैन फैक्ट्री में जाकर के जो वहाँ काम हो रहा है हस्तशिल्प के मामले में, स्टोन के जो तमाम चीज़ें वहाँ बन रही हैं उसका उन्होंने निरीक्षण किया और सर्किट हाउस में आकर के स्वयं सहायता समूह जो है उन महिलाओं से उन्होंने बात की, जानने की कोशिश करी कि क्या उनके यहाँ काम चल रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव आया और सामाजिक स्थिति में क्या बदलाव आया। इसके बाद FPO से कई 5-7 ऑर्गेनाइजेशन से मिले और उन लोगों ने अपनी जैविक खेती, पोल्ट्री, किसान की आय दुगनी कैसे हो, जैविक खेती इत्यादि, स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन के बारे में उन लोगों ने बताया। उसके बाद कुछ NGO से और बात हुई है और उसके बाद TV नियंत्रण कैसे हो उससे संबंधित अधिकारियों से बुला करके बात की गई है। साथ ही स्वयं समूह में काम करने वाली महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भी प्रेम समूह की महिलाओं के साथ एक मीटिंग की, जिसमें महिलाओं से कई अलग अलग विषयों पर चर्चा भी की गई। अंत में TB से प्रभावित बच्चों को लेकर भी डॉक्टर से मुलाकात की और सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान पर भी प्रोग्रेस रिपोर्ट ली, जिसके बाद करीब 3:30 बजे राज्यपाल का काफिला सर्किट हाउस से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ, जहां से उन्होंने लखनऊ के लिए उड़ान भरी। राज्यपाल को सी ऑफ करने के लिए तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सांसद प्रोफेसर SP सिंह बघेल भी मौजूद रहे। अनिल, सी न्यूज़ आगरा।